नमस्कार दोस्तों, संविधान की कक्षाएं अनवरत रूप से जारी हैं और आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपकी डिमांड का टॉपिक लेकर के आए हैं। बहुत दिनों से आपका सही कई सारे मित्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें ये बताने का प्रयास करिए कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं या हम जिनको संघ राज कहते हैं या यूनियन टेरिटरीज कहते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, उनके क्या क्राइटेरिया हैं और इन संघ राज्यों का अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कैसे होता है और क्यों ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती है कि संघ राज्यों का गठन करना पड़ा था या करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है इसी से पूरी तरह से रिलेटेड है, पूरी तरह संबद्ध है और हम लोग एक एक बात पर पूरी चर्चा करेंगे, यानी कि पूरा स्वतंत्रता से पहले का हम पूरा इतिहास उठाएंगे, यानी कि ब्रिटिश शासन से लेकर के स्वतंत्रता से होते हुए अधिनियम 1956 से होते हुए राज्यों का गठन करवाते हुए सारी बातों पर चर्चा करते हुए हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेशों का गठन होता है, क्या क्या मानक होते हैं, आखिर ऐसी आवश्यकता क्या पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई जो केंद्र शासित प्रदेशों को बनाना पड़ा। ठीक है, यानी कि राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए जाते हैं, पहले भी थे, यानी कि जब भारत में 14 राज्य और 6 संघराज बनाए गए थे तब भी 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, लेकिन बाद में वो पूर्ण राज्य का दर्जा उनको मिल गया। ठीक है, लेकिन फिर नए राज्य बनाए गए तो वहां पर क्या आवश्यकता थी, यहाँ पर क्या आवश्यकता है, इन सारी बातों का आपको हम पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, दावा है कि आज आप बहुत कुछ नया सीख के जाएंगे। ठीक है, और साथ में कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। देखिए, चूंकि हमें यहाँ पर बहुत सारी बातें नोट करनी थी, है ना, बोर्ड का क्षेत्रफल उतना ही है, ठीक है, 4x6 है तो लिमिटेड चीजों को यहाँ पर हम लिख पाते हैं। ठीक है, हालांकि आज थोड़ा सा घना लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम इसका स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप वहां से इसको देख करके नोट कर लीजिएगा। फिर भी हम जो भी हमें लिखा है इसको हम डिक्टेट करेंगे, ओरली बोलेंगे, एक एक चीज आपको बोल के बताएंगे तो आप वैसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी समस्या हो सकती है, मैं मानता हूं कि ये सब जो है परेशानी है, आपको धुंधला दिखाई देता होगा, वॉइस कम आती होगी, लेकिन आप लोग सब समझदार हैं और आप लोग मैनेज कर लेंगे इन चीजों को, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरा पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छा उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूं, लेकिन आप भी थोड़ा सा अगर सहयोग बनाए रखेंगे तो हम दोनों लोग मिलकर के बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी जो पिछले वीडियो में भूल हो गई थी उसको सुधार करना चाहेंगे। जो कैग वाला यानी सीएजी वाला हमने आपको वीडियो दिया था उसमें जो कैग है, वर्तमान में कैग है, वो श्री राजीव महर्षि जी है। ठीक है, कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया, ठीक है, वो बाय मिस्टेक दिमाग से ऐसा निकल गया। ठीक है, और जो सीजीए है, ठीक है, वो सीजीए है सोमा रॉय वर्मन जी। ठीक है, और जो कैग है सीएजी है वो श्री राजीव महर्षि जी है वर्तमान में। ठीक है, तो इसको आप सुधार कर लीजिएगा, छोटी सी भूल थी, दिमाग से कभी कभी चीजें उतर जाती हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप उन चीजों को माइंड नहीं करेंगे, मैनेज कर लेंगे। चलिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, यूनियन टेरिटरीज की, कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, कैसे इनका गठन होता है। ठीक है, तो देखिए जो भारतीय संविधान का भाग 8 है, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लूं, जो भारतीय संविधान का भाग 8 है उसमें संघ शासित राज्यों का वर्णन किया गया है और ये अनुच्छेद 239 से लेकर के 241 तक, यानी कि भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर के 241 तक संघ राज्यों का या फिर केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 से। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में क्या है कि भारत राज्यों का संघ होगा और भारत में जो है राज्य और संघ राज मिलकर के पूरे जो है एक संघ का यानी कि भारत का निर्माण करेंगे या पूरे देश का या पूरे राज्य का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो भारत का राज्य क्षेत्र है वो 3 क्षेत्रों में विभाजित है, या क्यों कहें कि 3 श्रेणियों में विभाजित है। ठीक है, यानी पूरे भारत को हम
तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1। ठीक, अनुच्छेद 1 के अनुसार पूरे भारतीय क्षेत्र को या पूरे भारत भारतीय राज्य को हम तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। कैसे? एक तो है राज्य क्षेत्र, ठीक है, जिनको की पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ, ठीक है, और उनकी संख्या है 28। आपको पता है वर्तमान कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है। दूसरे हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिनको हम यूनियन टेरिटरीज के नाम से जानते हैं, कितनी संख्या है? उनकी संख्या वर्तमान में 8 है, ठीक है। पहले कितने थे? 7 थे, फिर कितने हो गए? 9 हो गए, अब कितने रह गए? 8 रह गए। ये सारी बातें हम बताएंगे, 7, 9 और 8 ये क्या कैसे कब हुआ है, हम यहाँ पर जब आएंगे तो सारी बातें आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। और तीसरे ऐसे हैं, यानी कि ऐसे राज्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अर्जित किए जाएं, यानी कि कोई अगर भारत भारतीय क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र है, यानी भारत राज्य के बाहर का क्षेत्र है, और अगर भारत सरकार उसको अर्जित कर लेती है तो उनको तीसरी श्रेणी में डाला जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, यानी कि इनकी संख्या अभी नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा क्षेत्र अर्जित नहीं किया गया है, ठीक। तो ये तो हो गई कि जो तीन प्रकार के राज्य हैं उनकी जो श्रेणियां बनाई गई हैं वो हो गई, ठीक है, एक राज्य, दूसरे संघराज्य और तीसरे अर्जित किए गए क्षेत्र। अब थोड़ी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाते हैं, यानी कि हम थोड़ा ब्रिटिश शासन काल की बात कर ले, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए जो पूरा भारत था, ठीक है, जो पूरा भारतीय क्षेत्र था, यूं कहें कि जो पूरा ब्रिटिश भारत था, ठीक है, तो उस समय जो है जो राज्य थे वो ब्रिटिश शासन ने अपने हिसाब से बनाए थे, अपने नाम दिए थे, जैसे कि बंगाल था, एक बिहार था, है ना, और कलकत्ता था और बॉम्बे था, इस तरीके से मतलब जो है उन्होंने अपने नाम दिए थे, लेकिन कोई मतलब विशेष नाम उन राज्यों को नहीं दिए गए थे, ना ही ये मतलब फिक्स था कि कितने राज्य होंगे, यानी वो ब्रिटिश भारत था तो उन्होंने अपनी व्यवस्था के अनुसार अपने शासन को चलाने के लिए जिस भी प्रकार से उनको डिवाइड कर रखा हो वो उनका मसला रहा होगा, ठीक है। लेकिन उसी में, यानी कि इसी भारत में, उन्होंने कुछ क्षेत्रों को क्या किया, कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित जिले बनाए थे, यानी कि हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश शासन काल 1874 की, ठीक है, हम आपको ब्रिटिश शासन 1874 में ले चलते हैं। तो उस दौरान जो ब्रिटिश शासन था उसने भारत में कुछ अनुसूचित जिले बना दिए, ठीक है, यानी कि इस तरीके से अनुसूचित जिले बना दिए, ठीक है। फिर क्या किया, बाद में इन अनुसूचित जिलों को मुख्य आयुक्ती क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है, यानी जो इन्होंने ये बनाए थे इस तरीके से, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं हम, ठीक है, मान लेते हैं ये भारत है, मैंने ऐसे ही बना दिया नॉर्मली, इन्होंने इस तरीके से जो है कुछ ऐसे क्षेत्र बना दिए थे, ठीक है, और इनको कहा गया अनुसूचित जिले, ठीक है, और बाद में क्या किया, इनका नाम बदल करके मुख्य आयुक्ती क्षेत्र के नाम से जाना गया, ठीक है। ये तो बात तब की है 1874 की, यानी कि ब्रिटिश शासन की है, ठीक है, अब हम उस बात को यहीं पर छोड़ देते हैं। अब आते हैं जब भारत स्वतंत्र हो गया, ठीक है, यानी कि 1947 के बाद, और हम आते हैं सीधे सीधे 1950 की स्थिति पर आते हैं, हम स्वतंत्रता के बाद 1950 की स्थिति पर आ जाते हैं। तो उस समय जब भारत स्वतंत्र हो गया था, भारत में सरकार भी बनने वाली थी, संविधान भी लागू हो गया था, तो उस दौरान क्या हुआ कि भारतीय संघ को, यानी भारतीय संघ के की राज्यों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया गया, ठीक है, यानी कि पूरे भारत को, अब हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, तो पूरे भारत को जो है चार प्रकार के राज्यों में विभाजित किया गया था, ठीक है, और जो इनकी संख्या कुल थी वो कितनी थी, 29 थी, यानी कि जो ये भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी संख्या 29, यानी कि पूरे भारत को 29 राज्यों में बांट दिया गया, ठीक है। लेकिन इन 29 राज्यों में चार श्रेणियां बनाई गई, या यूं कहें कि भाग बनाए गए, भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग घा, यानी कि इन 29 राज्यों को इन चार भागों में बांट करके पूरे भारत में राज्य बना दिए गए। अभी देखिए, अभी राज्य किस प्रकार से थे, तो जो भाग का में राज्य रखे गए उनकी संख्या थी 9, ठीक है, यानी कि भाग का में 9 राज्य रखे गए, और कौन से राज्य रखे गए, ऐसे राज्य जिसमें ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन रहा हो, ठीक है, यानी कि हम ब्रिटिश भारत, यानी कि अगर 1947 से पहले की बात करें तो ब्रिटिश भारत रहा होगा, ब्रिटिश भारत में
जिन जिन जगहों पर या जिन जिन क्षेत्रों में गवर्नर का शासन रहा होगा उन क्षेत्रों को या उन राज्यों को भाग काम में रख दिया गया। ऐसे 9 राज्य थे जो कि ब्रिटिश भारत में गवर्नर के द्वारा शासित किए जाते थे। ठीक है, अब आते हैं भाग खा पर। भाग खा में भी 9 राज्यों को रखा गया और ये राज्य ऐसे थे जहां पर विधानमंडल भी था और उसके साथ शाही शासन भी था। ठीक है, यहां पर देखिए एक बात का जिक्र थोड़ा करना चाहेंगे। आपको पता है कि जो ब्रिटिश शासन था उस समय, यानी कि जब अंग्रेजों का शासन था, तो कुछ प्रांत ऐसे थे जिन पर ब्रिटिश का पूरा पूरा शासन था, ठीक है, अधीन थे, और कुछ जो है रियासतें थी जिनको हमने देशी रियासतों के नाम से पढ़ा। ठीक है, कुछ देशी रियासतें थी। तो यहां पर कैसा था, यहां पर राजा का शासन था, यानी कि राजशाही शासन था, राजा का शासन था। लेकिन जो ये देशी रियासतें थी ना, वो भी इसी के अंडर में थी, यानी कि इनसे बाहर कुछ काम नहीं कर सकती थी। यानी कि पूरा भारत ही ब्रिटिश के अंदर था, लेकिन ये देशी रियासतें थी जिन पर राजा का शासन था, यानी कि डायरेक्ट जो है ब्रिटिशों का शासन नहीं था, लेकिन ये रियासतें ब्रिटिश शासन के अधीन ही काम करती थी। मतलब ये देशी रियासतें ब्रिटिश शासन के खिलाफ कुछ भी काम नहीं कर सकती थी। ठीक है, लेकिन वहां पर राजा का अपना शासन था, यहाँ पर गवर्नर वगैरह या पर जो कुछ आयुक्त वगैरह नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो वही बात हम कह रहे हैं कि 9 राज्य ऐसे शामिल किए गए भाग खा में जहां पर विधानमंडल था और विधानमंडल के साथ साथ शाही शासन भी रहा होगा, ऐसे 9 राज्यों को डाल दिया गया भाग खा में। ठीक है, और फिर आता है भाग गा जिसमें 10 राज्यों को शामिल किया गया और इन 10 राज्यों में ऐसे राज थे जो ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था या फिर कुछ में शाही शासन भी था। यानी कि ब्रिटिश भारत की बात करें तो ब्रिटिश भारत जो है वहां पर कमिश्नर यानी कि चीफ कमिश्नर जो मुख्य आयुक्त हुआ करता था वो शासन करता था, साथ में ही कुछ क्षेत्रों में या कुछ राज्यों में शाही शासन भी हुआ करता था। तो इन राज्यों को यानी कि ऐसे राज्यों को डाल दिया गया भाग गांव में। इनकी संख्या थी 10। ठीक है, और भाग गांव में सिर्फ एक राज्य को शामिल किया गया और उसका नाम था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसका कोई विशेष क्राइटेरिया नहीं था, सिर्फ एक ही राज था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको भाग भा में डाल दिया गया। इस प्रकार से 1950 की स्थिति है, 29 राज्यों में पूरे भारत को डिवाइड किया गया और इन 29 राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया, यानी कि ब्रिटिश शासन के आधार पर जहां पर जैसा ब्रिटिशों का शासन रहा होगा उसी के आधार पर इन राज्यों का विभाजन किया गया। इस बात को बहुत बारीकी से समझ लीजिएगा, अगर एक बार समझ नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके जरूर देखिएगा। जब तक ये बात आप नहीं समझेंगे तब तक आप पूरा वीडियो का जो निचोड़ है या जो हम बताना चाहते हैं वो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है। ये तो स्थिति हो गई कब की, 1950 के आसपास की। फिर हम आते हैं 1956 में, यानी कि 1950 से लेकर के 1956 तक यही स्थिति रही, यानी कि यही 4 कैटेगरी रही राज्यों की। ठीक है, अब क्या हुआ, 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, तो जो ये वाली व्यवस्था थी इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी जो भाग का खा गा घा वाली जो राज थे इस व्यवस्था को समाप्त करके पूरे भारत को क्या किया गया, 14 राज्यों में और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति। कौन से 4 वर्ग, ये वाले जो 4 वर्ग थे इनकी समाप्ति कर दी गई किसके द्वारा, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और इनके स्थान पर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई। ये जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में 14 राज्यों के बारे में आपको पीछे पढ़ा चुके, याद होगा आपको जब हमने स्टार्ट किया था पॉलिटी स्टार्टिंग में, जब आपको आर्टिकल 1 पढ़ा रहे थे तब हमने आपको 14 राज्यों के बारे में पूरा डिटेल में बताया था। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले उसको आप देख लीजिए, वहां से आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 राज्य तो वो हो गए, साथ ही 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई थी। तो स्टार्टिंग में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, 6 थे और उनके नाम आप जान लीजिए, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इन 6 राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, लेकिन बाद में समय समय पर ये सभी राज्य वर्तमान में
पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। अब ये 6 के 6 राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहे हैं, सभी पूर्ण राज्य में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसका डिटेल भी आपको हम पीछे दे चुके हैं कि कब किस राज्य का जो गठन हुआ है, कब वो पूर्ण राज्य का दर्जा उसको प्राप्त हुआ है। चलिए, ये बात हो गई यहां पर। अब हम आते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, एक तो जो राज्य होते हैं, ठीक है, तो राज्यों में क्या होता है, राज्यों का अपना विधानमंडल होता है। जो पूर्ण राज्य होते हैं उनका अपना एक विधानमंडल होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, मंत्री परिषद होती है। ठीक है, ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं जो पूर्ण राज्य, मान लो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बंगाल है, ये क्या है, पूर्ण राज्य है। ठीक है, तो इन पर जो राज्यों का अपना पूरा प्रशासन होता है, जो मुख्यमंत्री होता है वही अपने पूरे राज्य का दायित्व संभालता है। ठीक है, लेकिन जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, ठीक है, उन क्षेत्रों को या तो वो उनकी जो भूमि है वो बहुत दूर स्थित है, यानी कि जो मेन भारत का क्षेत्र है या भारत की जो मेनलैंड है उससे दूर स्थित है, या फिर उनकी जनसंख्या बहुत कम है, या फिर उनका बहुत क्षेत्रफल बहुत कम है, इसलिए उनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, और चूंकि दूर स्थित है, भौगोलिक स्थिति उनकी दूर है अन्य राज्यों से, इसलिए उनको संबंधित राज्य में शामिल भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, या फिर उनकी उनके बारे में कोई विशेष तत्व है, विशेष संस्कृति है, ठीक है, या विशेष प्रशासनिक ढांचा है। ठीक है, या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ही सामरिक महत्व के हैं, तो इन चीजों को क्या करता है कि केंद्र सरकार अपने अधीन कर लेता है। ठीक है, और केंद्र सरकार राष्ट्रपति के द्वारा सीधे सीधे उन क्षेत्रों पर अपना प्रशासन करती है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि वह क्षेत्र जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होता है उसे केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि ये क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं, यानी कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से सीधे सीधे कंट्रोल करती है और जो भी गतिविधियां होती हैं वो सीधे सीधे केंद्र को रिपोर्ट की जाती हैं। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रपति क्या करता है कि उससे जो केंद्र शासित प्रदेश है या क्षेत्र है वहां पर या तो उपराज्यपाल या प्रशासक या फिर आयुक्त की नियुक्ति कर देता है, जो कि राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि होता है और वो समय समय पर सारी चीजें, सारी जानकारी, जो भी वहां से संबंधित नॉलेज है, जानकारियां हैं, वो राष्ट्रपति को उपलब्ध कराता रहता है। इस प्रकार से केंद्र के द्वारा सीधे सीधे उन राज्यों पर शासन होता है या ऐसे राज्यों पर शासन किया जाता है। ठीक है, जबकि राज्यों का शासन अलग होता है, आपने देखा वहां पर मुख्यमंत्री होता है, सब कुछ होता है, ठीक है, विधानमंडल होता है। अब देखिए, जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है आपको पता होना चाहिए, उनकी संख्या है 8, हम यहां पर बता चुके हैं। ठीक है, अब ये भी आपको ध्यान देना है कि जब राज्यों का गठन हुआ था 1956 में, ठीक है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था ना, तो उस समय क्या 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन ये तो जो है क्या हो गए, अब पूर्ण राज्य बन गए। ठीक है, अब लेकिन जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या अभी तक 7 थी। ठीक है, 7 कब तक थी, जब तक कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्राप्त था, फिर क्या हुआ, 370 हट गया और जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित राज्यों में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, इसका विस्तृत वीडियो, यानी 370 हटा, 35A हटा, किस प्रकार से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ठीक, इसलिए हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर पर थोड़ी सी शॉर्ट में बात करेंगे। तो जो जम्मू कश्मीर, यानी 370 हटने से पहले पूरे भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, ये आपको पता है। फिर क्या हुआ, फिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा करके उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, तो अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 9 हो गए थे। ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही क्या हुआ कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मर्ज कर दिया गया, एक दूसरे में विलय कर दिया गया, मिला दिया गया, तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के 1 हो गए। इसलिए अब ये संख्या कितनी रह जाती है, 8 रह जाती है। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है। ठीक है, यहाँ पर 9 भले लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों का विलय दिखाया हुआ है कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय हो गया है, जिससे संख्या कितनी मानी जाए, 8 है। ठीक है, यानी भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए
अब हम बात ये करते हैं कि जो भी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है, उन राज्यों का यानी कि संघ राज्यों का गठन कब हुआ है और किस प्रकार का सिस्टम वहां पर लागू है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है। जो पहला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जो इसका गठन हुआ वो 1956 में गठन हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है वो कौन है, यहाँ पर उपराज्यपाल होता है, ठीक। कौन होता है? उपराज्यपाल होता है, डिप्टी गवर्नर होता है, ठीक है, या कहें तो लेफ्टिनेंट, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का है, LG लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जिसको हम उपराज्यपाल कहते हैं अंडमान निकोबार में, ठीक है। और यहाँ पर विधानसभा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर विधानसभा नहीं है, इसलिए यहाँ पर चुनाव ना नहीं होते हैं, तो सीधे सीधे जो है वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। दूसरा है दिल्ली, दिल्ली का गठन भी 1956 में हुआ था, और यहाँ पर भी उपराज्यपाल होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। इसके बाद दिल्ली में विधानसभा भी है, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी होता है, और यहाँ पर मंत्रिपरिषद भी है, ठीक है। दिल्ली के बारे में भी आपको आगे बताने वाले हैं, पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक है। इसके बाद लक्षद्वीप है, जिसका गठन 1956 में हुआ था, और यहाँ पर भी प्रशासक होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, प्रशासक होता है, यानी कि जो यहाँ की गतिविधियों को या जो भी शासन करने वाला व्यक्ति है उसे हम प्रशासक के नाम से जानते हैं, यानी जो प्रशासन होता है वो एक प्रशासक के द्वारा होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद दादरा नगर हवेली, इसका गठन 1961 में हुआ था, ठीक है। और दमन दीव, ठीक है, इसका गठन 1962 में हुआ था, ठीक है। जो दादरा नगर और दमन दीव है ये दोनों क्या है, ये पुर्तगालियों के अधीन रहे हैं, ठीक है। फिर ये बाद में पुर्तगालियों ने भारत को सौंप दिए, तो इनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। दादरा और नगर हवेली में क्या है, यहाँ पर प्रशासक होता है, और दमन दीव में क्या है, यहाँ पर भी प्रशासक होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जानने का प्रयास ये करिए, जो दादरा और नगर हवेली का प्रशासक होता है वही प्रशासक दमन दीव का प्रशासन भी देखता है। कहने का मतलब है कि दमन दीव में अलग से प्रशासक नहीं होता है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली का एक ही प्रशासक होता है, अर्थात जो प्रशासक दादरा नगर हवेली का होता है वही दमन दीव की गतिविधियों को भी देखता है। लेकिन फिलहाल हाल ही फिलहाल में दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय हो गया है, इसलिए अब दोनों का प्रशासक एक ही होगा। इन दोनों को जो विलय हुआ है, इस पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया है कि कैसे कैसे विलय हुआ, क्या प्रक्रिया होती है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है पुडुचेरी, इसका गठन 1963 में हुआ है, इसके बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर बताएंगे हम। और पुडुचेरी में क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उपराज्यपाल होता है, यहाँ पर भी विधानसभा होती है, मुख्यमंत्री होता है, और मंत्रिपरिषद भी होती है, ठीक है। और देखिए ये है एक चंडीगढ़, ठीक, इसका गठन हुआ है 1966 में, ठीक है। देखिए 1966 से पहले क्या है ना, 1966 से पहले पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हुआ करती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1966 में पंजाब का हो गया क्या, विभाजन हो गया, और पंजाब का विभाजन होकर के हरियाणा बन गया। अब क्या हुआ, पंजाब में और हरियाणा में विवाद हो गया, पंजाब कह रहा था कि चंडीगढ़ को राजधानी हम बनाएंगे, और हरियाणा कह रहा था कि चंडीगढ़ को राजधानी हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये फिर दोनों में सुलह हुआ, तो इसलिए पंजाब और हरियाणा की दोनों की राजधानी कहां पर है, चंडीगढ़ में, यानी कि दोनों ने सामूहिक तौर पर ये स्वीकार किया कि हम दोनों लोग आपस में चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बना लेते हैं, ठीक है। तो चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, हरियाणा की राजधानी है, और जो चंडीगढ़ यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी स्वयं की भी ये राजधानी है, ठीक है। और यहां पर भी एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों का गठन वर्ष अभी 2019 में हुआ है, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको, विस्तृत वीडियो आपको हम देने वाले हैं, पूरा समझाएंगे। और यहाँ पर दोनों राज्यों में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल होगा, साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी होगी और मुख्यमंत्री भी होगा और मंत्रिपरिषद भी होगी, ठीक है। यहाँ पर विधानसभा में सीटें वीटें कितनी होगी ये सब कुछ आपको हम उसी वीडियो में बताएंगे जहां पर इसका हम गठन करने वाले हैं, ठीक है। और जो लद्दाख है यहाँ पर उपराज्यपाल होगा, ठीक है, जो सरकार का या कहो तो केंद्र सरकार का जो प्रतिनिधि है वो कौन होगा, उपराज्यपाल होगा, लेकिन यहाँ पर विधानसभा का प्रावधान बिल्कुल नहीं किया गया, ठीक है। तो ये हमारे जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं दिल्ली के बारे में, ठीक है। तो एक संविधान संशोधन है 69वां,
69वां संविधान संशोधन 1991। इससे पहले क्या था, 1991 से पहले क्या था कि केंद्र शासित राज्य दिल्ली को, जो दिल्ली थी वो, यानी कि 1991 से पहले दिल्ली क्या था, केंद्र शासित राज्य था, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसको विशेष दर्जा दे दिया गया, यानी कि इसको विशेष दर्जा क्या दिया गया, इसको दर्जा दिया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अब इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से जाना जाता है, या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बना दिया गया, ठीक है। कितने, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ की विधानसभा है इसमें 70 सदस्य हैं, और इसके जो मंत्रिमंडल में है वहां पर 7 सदस्य होंगे, यानी कि कुल विधानसभा के 10%, ठीक है। यानी कि मुख्यमंत्री इसमें शामिल अच्छे हैं, एक मुख्यमंत्री और 6 मंत्री हो सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, या ये कहीं की राष्ट्रीय राजधानी, तो राजधानी क्षेत्र हो गया, तो इसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं पुंडचेरी की, ठीक है। तो आपको बता दें, जो पुंडचेरी है इसका 2006 तक नाम था क्या, पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी लिखा हो पौंडीचेरी, पर 2006 के बाद इसको पुंडीचेरी के नाम से जाने जाने लगा, ठीक है। 1954 तक ये फ्रांस के कब्जे में रहा, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1 नवंबर 1954 को, डेट याद रखिए, 1 नवंबर 1954 को फ्रांस ने भारत को इसको सौंप दिया। फिर क्या हुआ, 1962 तक प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता रहा, यानी कि 1954 में जब फ्रांस ने सौंप दिया, तो 54 से लेकर के 62 तक जो इसका प्रशासन था वो अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता रहा, यानी जो भारत ने क्षेत्र, मतलब कि जो अधिग्रहित किया है, उस तरह से इसका प्रशासन चलता रहा। फिर क्या हुआ, फिर 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। अधिनियम कब आया था, 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में आया था, और ये 63 में जाकर के इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। और जो पुंडचेरी है इसमें 4 जिले हैं, यानी कि उसका क्षेत्र फैला हुआ है, वो 4 जिलों में फैला हुआ है और 3 राज्यों में फैला हुआ है। देखिए कहां कहां पर, इसका एक जिला है माहे, जिसका जो क्षेत्र है वो केरल में आता है, और एक जिला है यनम, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, और इसके 2 जिले हैं पुंडचेरी और कराईकल, जो कि तमिलनाडु में आते हैं। ये जो है प्रश्न है ना, ये बहुत पूछा जाता है कि तमिलनाडु के क्षेत्र कहां कहां फैले हैं, या ये जिला किस राज्य के अंतर्गत या किस राज्य की सीमा में आता है, ठीक है। और जो पुंडचेरी में विधानसभा सदस्यों की संख्या है वो 30 यानी 30 है, और साथ ही साथ 3 सदस्यों को नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत भी किया जाता है, ठीक है। तो ये थी कहानी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की कितने हैं वर्तमान में। अब हम बात करते हैं जो प्रमुख बात है कि केंद्र शासित प्रदेश गठन के कारण, ऐसे क्या कारण है, क्या जरूरी है, क्यों केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है, किन आधारों पर किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो यहां पर हमने 5 आधार लिखे हुए हैं, या कारण लिखे हुए हैं, कि इन इन कारणों के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। चलिए, पहला कारण है राजनीतिक व प्रशासनिक कारण, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि दिल्ली और पुंडिचेरी, ठीक है। अब चूंकि इन दोनों राज्यों में विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। तो इन राज्यों का प्रशासन देखने के लिए, या यूं कहें कि इनकी प्रशासनिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, किसके द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा इनकी प्रक्रिया को संचालित करने के लिए केंद्र सरकार अपने अधीन इन राज्यों को रखना चाहती है, ठीक है। ताकि जो भी प्रक्रिया यहां पर हो रही है, जो भी राजनीतिक या प्रशासनिक चीजें हो रही हैं, वो केंद्र सरकार की नजर में रहे, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। और इन राज्यों की जो विधानसभा है, आपको पता है कि कहां पर, राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग भी लेती हैं, दिल्ली और पुंडचेरी, ठीक है। इसलिए राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से इनको भी केंद्र शासित का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है। दूसरा है भौगोलिक कारण, ये है कि देखिए, जो कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो कानूनी तौर पर तो भारत का हिस्सा है लेकिन मेनलैंड से दूर है, ठीक है। इस मान लो ये यहां पर भारत है, या यहीं पर बना देते हैं, मान लो ये भारत है, ठीक है। अब मान लो एक क्षेत्र यहां पर इसका है, ये भारत के बाहर है, ठीक है। अब देखिए, जो यहां पर किनारे, यहां पर राज्य है, इसकी दूरी यहां से काफी दूर है, ठीक है। अब चूंकि इसको इस राज्य में शामिल करना तो संभव नहीं है, चूंकि मेनलैंड से काफी दूरी पर स्थित है,
इसलिए क्या करती है कि केंद्र सरकार इसको जो है अपने अधीन कर लेती है और अपना सीधा सीधा इस पर शासन करती है। इसीलिए जो है ऐसे क्षेत्र जो कानूनी तौर पर तो भारत का हिस्सा है परंतु मेनलैंड से दूर है, इसलिए किसी पड़ोसी राज्य का हिस्सा नहीं बन सकते। जो पड़ोसी राज्य है उसका हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि मेनलैंड से ये दूर है, ठीक है, और जनसंख्या व क्षेत्रफल में इतने छोटे हैं कि इनको राज्य का दर्जा देना मुश्किल है, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर लक्षद्वीप, ठीक है, जो कि एक बंगाल की खाड़ी में है और एक अरब सागर में स्थित है, ठीक है, तो इनको भी दर्जा देना नहीं, इसलिए भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं क्योंकि ये मेनलैंड से दूर है और इन पर शासन करना मुश्किल है, इसलिए राज्य सॉरी केंद्र सीधे सीधे इनको अपने अंडर में ले लेता है। इसके बाद है सांस्कृतिक कारण, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो दादरा नगर हवेली है और दमन द्वीप है ये किसके अंडर थे, पुर्तगालियों में, ठीक है, और पुडुचेरी फ्रांस के अंडर में था, ठीक है, कब्जे में था। तो देखिए इन लोगों की जो पुर्तगालियों की या फ्रांसीसियों की जो भी संस्कृति है वो एक अलग मतलब विशेष संस्कृति है, तो उनकी इस संस्कृति को या किसी जगह विशेष की पहचान को बनाए रखने के लिए या उनकी सांस्कृतिक चीजों को या उनकी धरोहर को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है कि उन क्षेत्रों को केंद्र सरकार सीधे सीधे अपने अंडर में ले लेती है ताकि उनकी संस्कृति को उनकी विशेष पहचान को लंबे समय तक या भविष्य में आगे भी बनाए रखा जा सके। मान लो इसको किसी दूसरे राज्य में शामिल कर देते हैं तो क्या होगा कि जिस राज्य में इसको शामिल किया जाएगा तो जो उस राज्य की संस्कृति होगी वो उसी में उसको मर्ज करने का प्रयास करेगी, तो फिर जो क्षेत्र शामिल किया गया है उसकी अपनी पहचान या अपनी संस्कृति धीरे धीरे क्या होगी समाप्त होती जाएगी और मिटती जाएगी। इसलिए सरकार क्या चाहती है कि उतनी जो है जो सांस्कृतिक पहचान है या कोई विशेष पहचान है उसको बनाए रखने के लिए ऐसे क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित कर देती है, जैसे कि दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप और पुडुचेरी, ठीक है। साथ ही एक कारण है सामरिक कारण, ठीक है, यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सामरिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, ठीक है, अरब सागर में और ये बंगाली खाड़ी में स्थित है, तो अब चूंकि जो है समुद्री जो हमले है या जो देश लगे हुए हैं समुद्री सीमा से लगे हुए हैं तो उनसे सुरक्षा के लिए अब ये देश है वहां पर अपनी हमने सेना तैनात कर दी, ठीक है, तो ये हमको बताते रहते हैं कि मतलब कहां से क्या कुछ हो रहा है, कोई गतिविधि तो नहीं हो रही है बंगाली खाड़ी में या हिंद महासागर में या अरब सागर में, ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है। तो सामरिक दृष्टि से भी कुछ ऐसे क्षेत्र इंपॉर्टेंट होते हैं या महत्वपूर्ण होते हैं जो केंद्र को सीधे सीधे जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है, यानी राज्यों का कोई वो नहीं है, मान लो वहां पर किसी दूसरे से, मान लो केंद्र में शासन किसी दूसरी पार्टी का है, राज्य में शासन किसी दूसरी पार्टी का है, अब राज्य जो है वहां की जानकारी उपलब्ध ही नहीं करा रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा केंद्र सरकार को नुकसान हो सकता है, वो अपनी तैयारी और अच्छे से नहीं कर सकती। इसलिए जब ऐसे क्षेत्र सीधे सीधे केंद्र के अंडर में होते हैं तो वो सारी चीजों को सारी गतिविधियों को सीधे सीधे केंद्र को रिपोर्ट करते रहते हैं। और एक कारण और हो सकता है कि पिछड़े व अनुसूचित लोगों के लिए विशेष बर्ताव व देखभाल, जैसे कि मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये कैसे है पिछड़े क्षेत्र है और अनुसूचित लोगों के विशेष बर्ताव मतलब उनकी जो है बहुत सारी चीज उनके क्षेत्र को उनकी जमीन को या मतलब जंगलों को या उनकी जो भी संस्कृति है परंपराएं हैं उन चीजों को बचाने के लिए उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए या और भी उनकी व्यवस्था को देखरेख के लिए या उनकी देखभाल के लिए सरकार ऐसे क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लेती है या फिर अपना सीधा सीधा शासन करती है। इसलिए सरकार को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ये पांच तो मैंने आपको प्रमुख कारण यहाँ पर बताए हैं, इसके अलावा भी कई छोटे मोटे कारण हैं, ठीक है, तो इन पांचों के आधार पर आप समझिए कि इसलिए केंद्र शासित प्रदेश बनाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो ये है केंद्र शासित बनाने की प्रक्रिया और किन किन आधारों पर केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर बना हुआ, लद्दाख बना हुआ, उस पर आपको हम विस्तार से समझाएंगे पूरा उसका डिटेल, जो जब कश्मीर की जो पूरी हिस्ट्री है उसकी, जो कहां से स्टार्टिंग हुई, क्या डिस्प्यूट हुआ, जो राजा हरि सिंह और जो अब्दुल्ला वाला मैटर है वो सारा बताएंगे, ठीक है, और 370 से कैसे हटा है, ठीक है, तो ये सारी बातें आपको हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें काफी पसंद आई होंगी और अगर पसंद आई है तो फिर लाइक और कमेंट फटाक से कर दीजिए, ठीक है, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, नमस्कार।